अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट प्रैक्टिकल्स में आज हम बायो का एक्सपेरिमेंट नंबर 6 परफॉर्म करेंगे और बायो के एक्सपेरिमेंट नंबर 6 में हम टोनिसिटी का इफेक्ट सेल्स के ऊपर नोट डाउन करेंगे, प्लांट सेल और एनिमल सेल के ऊपर हम टोनिसिटी का इफेक्ट जो है वो नोट डाउन करेंगे। सो एक्सपेरिमेंट नंबर 6 में आज हम पार्ट ए परफॉर्म करेंगे जिसमें हम एनिमल सेल के ऊपर टोनिसिटी का इफेक्ट देखेंगे। सो आज के एक्सपेरिमेंट के लिए जो हमें अपरेटस चाहिए उनमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप, 3 कवर स्लिप्स हमें चाहिए, 3 ग्लास स्लाइड चाहिए, हमें मार्कर चाहिए और इसके अलावा ड्रॉपर हमें चाहिए। इसके अलावा जो केमिकल्स हमें चाहिए उनमें ब्लड ड्रॉप शामिल है और इसके अलावा हमें सॉल्यूशन चाहिए जिनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होनी चाहिए और सॉल्यूशन शुगर सॉल्यूशन भी हो सकते हैं और सॉल्ट सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। सो प्रोसीजर में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम 3 ग्लास स्लाइड्स लेंगे और तीनों ग्लास स्लाइड को हम मार्कर से मार्क कर देंगे, स्लाइड ए, स्लाइड बी और स्लाइड सी। फिर हमने हर स्लाइड के साथ एक काम करना है, हमने पहले क्या करना है, हमने फिंगर टिप में सुराख करना है और ब्लड निकालना है और हर स्लाइड पे हमने ब्लड ड्रॉप डालना है और फिर स्लाइड पे ब्लड ड्रॉप डालने के बाद हमने एक और स्लाइड लेनी है या कवर स्लिप ले लें आप और उसकी मदद से हमने जो ब्लड ड्रॉप है उसको हमने स्लाइड के ऊपर स्प्रेड करना है और फिर हमने तीनों स्लाइड के ऊपर जो है वो इसी तरीके से ब्लड ड्रॉप स्प्रेड किया है, स्लाइड ए, स्लाइड बी और स्लाइड सी। स्लाइड ए में हमने 0.1% सॉल्ट सॉल्यूशन डालना है और ये सोल्यूट जो है ये एनवायरनमेंट में कम होगा तो ये हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट होगा और स्लाइड बी में हमने 0.9% सॉल्ट सॉल्यूशन डालना है और ये आइसोटोनिक एनवायरनमेंट कहलाएगा और स्लाइड सी में हमने 5% सॉल्ट सॉल्यूशन डालना है, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। इस सॉल्यूशन में एनवायरनमेंट में सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। 5 मिनट के बाद फिर हमने तीनों स्लाइड को बारी बारी माइक्रोस्कोप के लेंस के जरिए हमने ऑब्जर्व करना है। सो ऑब्जर्वेशन जो हम नोट डाउन करेंगे, जो स्लाइड ए है जो कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हमने एनवायरनमेंट में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बनाया था, सो एनवायरनमेंट में सॉल्यूट कम था और सेल्स के अंदर सॉल्यूट ज्यादा था। सो सॉल्वेंट ऑलवेज फॉलो सॉल्यूट, जहां सॉल्यूट ज्यादा होगा सॉल्वेंट वहां मूव करेगा और सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर है, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो वाटर क्या करेगा, वो एनवायरनमेंट से मूव करेगा सेल्स के अंदर। एज अ रिजल्ट जब सेल्स के अंदर सॉल्वेंट ज्यादा होगा तो सेल्स स्वेल कर जाएंगे और फिर ब्रस्ट कर जाएंगे। सो आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब जो सेकंड स्लाइड में क्या किया था, हमने 0.9% सॉल्ट सॉल्यूशन डाला था और एज अ रिजल्ट जो सेल थे उनके अंदर का एनवायरनमेंट उनके बाहर के एनवायरनमेंट सेम था, मतलब सेल के अंदर जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन थी उतनी ही सॉल्यूट कंसंट्रेशन सेल के बाहर भी थी, इसीलिए सॉल्वेंट जो है वो इक्वल अमाउंट में सेल के अंदर और सेल के बाहर मूव कर रहे थे और एज अ रिजल्ट जो सेल्स की शेप जो थी वो बरकरार रही थी। जबकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमने सेल्स के बाहर ज्यादा सॉल्यूट रखा है और सेल्स के अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है। अब सॉल्वेंट में हमेशा फॉलो करना है सॉल्यूट को, सो वाटर सेल के अंदर से जो है वो बाहर की तरफ मूव करेगा क्योंकि बाहर ज्यादा सॉल्यूट मौजूद है। एज अ रिजल्ट जब सेल में से वाटर या सॉल्वेंट निकलेगा तो सेल श्रिंक कर जाएंगे। सो आज के एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है वो क्या है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि सेल के बाहर सॉल्यूट कम होता है और सेल के अंदर सॉल्यूट ज्यादा होता है, जिसकी वजह से बाहर से सॉल्वेंट सेल के अंदर मूव करेगा और एज अ रिजल्ट सेल जो है वो स्वेल कर जाएगा और फिर ब्रस्ट कर जाएगा और आरबीसीज ने भी क्या किया, वो स्वेल होके फिर उसके बाद ब्रस्ट हो गए। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सेल के अंदर रेड ब्लड सेल्स के अंदर जितना सॉल्यूट था उतना ही रेड ब्लड सेल्स के बाहर था और इसी वजह से उन्होंने अपनी पोजीशन और शेप बरकरार रखी। जबकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या हुआ कि बाहर सॉल्यूट ज्यादा होने की वजह से सेल का सॉल्वेंट भी बाहर की तरफ मूव कर गया जिसकी वजह से सेल श्रिंक कर गए।